मीशो जीन्स हॉल स्टार्टिंग ₹219। यस यू हर्ड राइट, जो स्टार्टिंग प्राइस है जीन्स का वो ₹219 है। वाह, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम शिल्पी एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैंने काफी टाइम पहले मीशो से जींस हॉल किया था क्योंकि मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बहुत टाइम से लेने का सोच रही हूँ एंड अभी कुछ मैंने लिया है एंड सारे जींस अंडर ₹600 एंड स्टार्टिंग ₹219 है। जैसे बताया बहुत ही ज्यादा लाइक मेरे को जो लगी है क्योंकि मैंने सारी ओपन करके देख ली है तो बहुत अच्छी है। तो कोड्स आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक मेरे को नहीं समझ में आ रहा कैसे डालेंगे तो कोड्स आप देख लेना। बाकी वीडियो आपको पसंद आए ना, आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेट करता है तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जो जल्दी से जो रेड कलर का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। शेयर करने वाली हूँ आपके साथ 5 जीन्स। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जीन्स से। जो फर्स्ट वाली जीन्स है वो है कार्गो स्टाइल में। मैंने आजकल देखा ये कार्गो काफ़ी ज़्यादा इन हो गया है एंड कार्गो जीन्स ऐसे ना हमेशा ट्रेंड में रहती है, तो आप अपनी अगर आप जीन्स में कार्गो जीन्स ऐड करोगे तो आप उसको बहुत यूज करोगे। तो मैंने लिया है ये चारकोल ब्लैक कलर में, मतलब डार्क ब्लैक नहीं है एंड उसमें ना ये व्हाइट कलर के थ्रेड की डिटेलिंग है। हमेशा मैं सेम थ्रेड की डिटेलिंग लेती हूँ बट इस बार मैंने व्हाइट कलर से लिया है बिकॉज मेरे को ये थोड़ी सी कूल लग रही थी और ऐसी जीन्स मैंने ना H&M पे देखी थी जो काफी कॉस्टली थी। ये मेरे को 499 में मिली है एंड उस अकॉर्डिंग इसकी जो क्वालिटी है एंड फिट है वो काफी अच्छा है। साइज इसमें मैंने लिया है अपना 30। हाई वेस्टेड है ये एंड इसमें 1, 2, 3, 4 पॉकेट्स मिल जाती है, 2 आगे पीछे। अच्छा यहाँ पे पॉकेट्स हैं ये, हाँ ये पॉकेट्स है, दोनों साइड आपको पॉकेट मिल जाएगी और ये स्ट्रेट फिट है, बिल्कुल स्ट्रेट फिट है, हाई वेस्टेड है। तो अगर आप कुछ लेने का सोच रहे हैं अफोर्डेबल प्राइस में तो जल्दी से चेक कर लीजिए बिकॉज बहुत बार आप बोलते हैं थोड़े दिन बाद कि आपने जो कोड दिए हैं वो नहीं चल रहा है, बिकॉज क्या होता है जब आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो वो चीज़ें उस कोड की जगह कुछ और आ जाता है। तो अगर आप अभी लेने का प्लान करें तो जल्दी से ले लीजिए बिकॉज सिर्फ ₹499 में है ये। इसकी जो डेनिम की क्वालिटी है ना वो भी बहुत अच्छी है, लाइक बहुत हल्का सा भी डेनिम नहीं है, बहुत हैवी भी नहीं है कि हाथ में लेने के बाद मेरे को हैवी फील हो रहा है। क्लोजर के लिए बटन है, जिप है एंड जो मेरे को इसकी जिप लगी है ना वो थोड़ी सी मेरे को लाइक एकदम से एकदम ऐसे स्मूथली नहीं ग्लाइड हो रही है, थोड़ा सा मेरे को लगता है कि एक दो बार जब मैं इसको यूज कर लूंगी तब हो जाएगा, अदरवाइज इसका लुक एंड इसका फिट काफी ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट जीन्स जो मैंने ली है वो है ऑलिव ग्रीन कलर की मॉम जीन्स एंड इसमें ना कुछ जैसे पेपरबैक जीन्स की डिटेलिंग होती है ना, पीछे इलास्टिक है लेकिन ये इसका जो लुक है प्रॉपर मॉम जीन्स है। इसमें आपको आगे पॉकेट मिल जाएगी एंड पीछे भी पॉकेट है, यहाँ पे इलास्टिक है। साइज इसका जो मैंने पिक किया आई थिंक 30 है, यस मैंने एल साइज इसका पिक किया है, पता नहीं मैंने 30 किया होगा, एल तो नहीं किया होगा। बिल्कुल ये ऐसे ऊपर से यहाँ से थोड़ी लूज फिट है और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे नैरो में आ जाती है। इसका फैब्रिक क्वालिटी भी काफी अच्छा है, इसमें आई थिंक 4 to 5 शेड्स अवेलेबल है, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, बट मैंने इसको ऑलिव ग्रीन कलर में लिया है। काफी टाइम हो गए थे मैंने कोई ऑलिव ग्रीन कलर का जींस लिए हुए, लाइक मैंने H&M से लिया था लेकिन वो थोड़ा सा मेरे को टाइट था इसलिए मैंने उसको चेंज कर दिया है। और बाकी इसका फिट भी अच्छा है, मैं बाकी साइज में ट्राई ऑन या फिर लुक शेयर करूंगी तो आप देखना और बताना कि कैसा लगा। पता नहीं क्यों लग रहा है कि शायद यहाँ से थोड़ा टाइट आ सकता है, पहनने के बाद ही पता लगेगा कि एक्चुअल क्या है, बट प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छा है क्योंकि इसका जो प्राइस आई थिंक 514 रुपीज या मतलब अंडर 600 रुपीज ही है, उस अकॉर्डिंग इसका फिट एंड लुक काफी अच्छा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो सबसे ही ज्यादा मैंने सस्ती जीन्स खरीदी है ₹219 की, मतलब ₹219 की जीन्स आती है वो बस मीशो पे हो सकता है ना, बस अच्छी आ जाए, मतलब अगर ₹219 खर्च करें तो पैसे 219 भी कम थोड़ी होते हैं ना। ओके, इसका जो फैब्रिक क्वालिटी है वो बहुत ही लाइट सा, जैसे हल्का सा डेनिम भी होता है पतला वाला जैसे शर्ट का डेनिम होता है उस टाइप का इसका फैब्रिक है। यहाँ पर क्लोजर के लिए बटन है, थोड़ा सा रफली सी डिटेलिंग है, इलास्टिक है एंड इस टाइप से बिल्कुल स्ट्रेट में है। यहाँ पर पॉकेट्स की डिटेलिंग है, क्लोजर के लिए बटन है एंड जिप है, या ओके जिप मेरे को इसमें आपको ऐसे बड़ी सी ग्रे कलर की ये बड़ा सा जिप का ऐसे बक्कल मिल जाता है, जैसे बैग में नहीं होता वैसे इसका जिप का ये बड़ा सा जिप है।
अदरवाइज प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अच्छा है, मतलब अगर आपको कॉलेज एंड ऑफिस के लिए डेली पर्पज से चाहिए तो मतलब ठीक है, बट मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा है, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मतलब और 219 रुपए में क्या ही चाहिए, अच्छी है, मतलब हाई वेस्टेड भी है एंड ये वाला जो डिटेलिंग है रफली ये भी थोड़ी अच्छी लग रही है, क्रॉप टॉप के साथ वियर किया जाए तो अच्छा लगेगा, और नीचे से भी ना ऐसे फिनिशिंग नहीं है, थोड़ा सा रफली वाली डिटेलिंग है, तो बाकी आप बताना मतलब मैं पहनूंगी तो कैसी लगी पहनेगा दो बताना कि मैं इसको रखूं या रिटर्न कर दूं, बिकॉज मैं इस वाली जीन्स को लेके श्योर नहीं हूं, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अच्छा है अगर आप कुछ अफोर्डेबल लेने का सोच रहे हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है व्हाइट कलर, अभी वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो मैंने सोचा मेरे पास एक रेड टॉप है या फिर पिंक टॉप है उसके साथ इसको पेयर अप कर सकती हूँ। ये एक्चुअली जीन्स नहीं है, ये ट्राउजर है, ऐसे बड़ा सा ब्रॉड सा एक बैंड है, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट है, लाइक अगर आप डार्क कलर का इसके साथ पैंटी पहनेंगे मतलब तो वो दिखेगा, आप न्यूड की तरफ जाइएगा और इसके साथ जो आपको है वो बिल्कुल लाइक जो स्लिम वाली होती है ना एकदम स्लीक वाली जो पैंटी आती है एकदम वैसी वाली वियर करनी पड़ेगी, वरना पीछे से जो पैंटी के मार्क होते ना वो उसमें दिखेंगे, तो प्लेन है, यहाँ पर बस एक स्टिचिंग की डिटेलिंग है और इसका जो लुक है वो बूट कट वाला है, आगे स्ट्रेट एक लाइन दी हुई है, पीछे से बिल्कुल प्लेन है एंड ये फैब्रिक जो है वो स्ट्रेचेबल है। आई थिंक इसका प्राइस 300 है या 350 के अप्रोक्स या इससे भी कम होगा, उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है, प्रॉपर हाई वेस्टेड है, लेकिन अगर आप कोई अच्छी ब्रांड की तरफ जाएंगे वो काफ़ी महंगी भी आएगी, इसमें आप नॉर्मल अपना लाइट कलर का अंडरगारमेंट पैंट उसको आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज व्हाइट कलर का ना ट्राउजर या पैंट वार्डरोब में होना जरूरी है, बहुत यूज हो जाता है, ब्लू कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, लाइक जैसे मैंने पहना है मतलब इतना ज्यादा यूजफुल होता है वो, ये ना बहुत ज्यादा, ये जो मैंने वियर किया हुआ है आई थिंक मेरा ये स्वेटर H&M से है, तो लिंक इसका नीचे आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसको चेक कर लेना। बाकी इसकी जो फैब्रिक है ना मतलब ये ना बिल्कुल सॉलिड में नहीं है, यहाँ पे ना आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा थोड़ा सा ऐसे दाने दानेदार है ना वैसे डिटेलिंग है, तो ये है ट्राउजर। लास्ट सब जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो अगेन एक कार्गो जीन्स है, बहुत टाइम से लेने का सोच रही थी लेकिन मेरा साइज नहीं मिल रहा था, फाइनली मेरे को अपने साइज में मिल गई है ये, एंड ये बहुत कूल एंड बहुत स्टाइलिश कार्गो है, इसका प्राइस 540 के अप्रॉक्स है, साइज मैंने अगेन इसमें 30 लिया है, प्रॉपर हाई वेस्टेड है, यहाँ पॉकेट है, यहाँ पे ना आप देखेंगे पॉकेट के पास ना कुछ इस टाइप से डिटेलिंग है, कि स्मेल कर रहा है अजीब सा, पता नहीं कैसा स्मेल कर रहा है, थोड़ा सा अजीब कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट फिट है, यहाँ पे भी ऐसे पॉकेट्स की डिटेलिंग है एंड इसका फैब्रिक क्वालिटी जो ब्लैक वाली थी ना उससे भी ज्यादा अच्छा है, ब्लैक वाला थोड़ा सा हैवी था, ये उससे भी ज्यादा लाइट वेटेड है एंड डेनिम की क्वालिटी काफी अच्छी है एंड सेम थ्रेड से डिटेलिंग है, लाइक जैसे ये लाइट ब्लू है ना वैसे लाइट ब्लू कलर से पूरी डिटेलिंग दी हुई है, पॉकेट है, तो ये दोनों कार्गो जीन्स मतलब मेरे को वैसे सही बताऊं तो सारी ट्राउजर एंड जीन्स बहुत अच्छी लगी है, काफी अफोर्डेबल भी है और लुक भी बहुत अच्छा है इनका, मतलब पहनने के बाद मुझे काफी अच्छी लगी है। बाकी आप बताना कि आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी और नीचे मुझे कमेंट करके बताना। अगर मैं अपनी फेवरेट बताऊं तो मेरे को एक तो ये जो प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए जो ये ऑलिव ग्रीन वाली है और ये वाली है, ये मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगी है बिकॉज का लुक एंड फिट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके साथ क्रॉप टॉप वियर किया था तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी आप बताना नीचे कॉमेंट सेक्शन में कि आपको इनमें से सबसे अच्छा क्या लगा। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और आपके लिए यूजफुल रही हो, तो अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब कराया तो प्लीज़ कर लीजिए, कमेंट करके बताना कि आपको क्या अच्छा लगा, और मिलती हूँ आपको फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।